अब हम बात करते हैं सेक्शन 165 के गाइस, समझ रहे हो? सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम बात करें गाइस सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, ठीक है, सो ये बात करता है, समझ रहे हो? ये सिंपली बात करता है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है, समझ रहे हो गाइस, ये जो कंपनी का डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर और कितनी कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर रह सकता है। कंपनी का जो एक डायरेक्टर है, समझ रहे हैं गाइस, फ्रेश सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, समझना। मैं पैरेलली आपको एक और चीज बताऊंगा, मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा सेक्शन 149 गाइस। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 जो है ना, वो बात करता है कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, समझो ना, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। दोनों चीज अलग है गाइस, समझना, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, देखते हैं 165 उसको डिस्कस भी करते हैं, उसको देखते भी है। जस्ट अ मिनट, ये रहा सेक्शन 165 गाइस, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में वो बात करता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में वो बात करता है। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ये रहा, अ डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस इन मैक्सिमम, अ डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितनी कंपनी के अंदर रह सकता है, ये रहा, मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर वो डायरेक्टर रह सकता है, बट आउट ऑफ विच मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी, उसमें 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, प्लस प्राइवेट कंपनी विच इज अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब कि वो डीम्ड पब्लिक कंपनी को वहां पे कंसीडर करेगा। ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 20 डायरेक्टरशिप टू एक्सक्लूड द डायरेक्टर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, इसका मतलब ये गाइस कि सेक्शन 8 कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, सो वहां पे एक और अमेंडमेंट भी आया है, डोरमेंट कंपनी को भी आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तीसरा, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज डायरेक्टर दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उनको वहां पे एक साल का टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ बोर्ड वर्क के अंदर। Yes guys, एक कंपनी का जो डायरेक्टर है, क्या बोला इसने कि वो मैक्सिमम ही कैन बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, समझ रहे, वो मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, बट कानून ने बोला कि ये जो 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, वो 20 कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर तो रह सकते हो, बट उसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 10 ही पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्लस इसके अंदर मैक्सिमम 10 के अंदर पब्लिक कंपनी एज वेल एज डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी तो इसके अंदर काउंट हो ही जाएगी, एंड डीम्ड पब्लिक कंपनी, डीम्ड पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, तो डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होगा गाइस, बताओ ना। डीम्ड पब्लिक कंपनी यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ, डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब होगा कि ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज अ, ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है गाइस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप सबको पता है। ठीक है, सो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है गाइस, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये रिलायंस लिमिटेड यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो इफ सचिन ठक्कर इज अ डायरेक्टर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो मेरी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। वैसे मैं 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता हूँ, समझना, राइट, बट पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो मेरी दो कंपनी हो गई, एक पब्लिक एक प्राइवेट। बट अगर ये सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस की सब्सिडियरी है, तो फिर दो पब्लिक कंपनी हो गई। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है,
कि पब्लिक कंपनी भी 10 के अंदर 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डीम्ड पब्लिक कंपनी भी, राइट, ये दोनों को मिला के पब्लिक कंपनी एज वेल एज डीम्ड पब्लिक कंपनी, ये दोनों मिला के 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी एज वेल एज डीम्ड पब्लिक कंपनी, राइट। और डीम्ड पब्लिक कंपनी क्या है, तो वो ये हमने यहाँ पे उसको डिस्कस कर लिया, प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फिर गाइस यहाँ पे एक चीज हम याद रख लेते हैं कि भैया जो अगर आप कोई सेक्शन 8 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, सेक्शन 8 कंपनी समझते हो ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनजीओ होता है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी। और दूसरा अपन देखेंगे डोरमेंट कंपनी, ये अमेंडमेंट आया है गाइस, डोरमेंट कंपनी, मीनिंग दरबाय कि आपकी 20 की लिमिट्स में सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी को काउंट नहीं कर रहा है, ये कंपनियां अनलिमिटेड हो सकती है, समझना। आपकी सेक्शन 8 कंपनी एज वेल एज डोरमेंट कंपनी अगर है तो वो 20 की लिमिट्स में काउंट नहीं होता, मीनिंग दरबाय इफ सचिन ठक्कर इज अ डायरेक्टर इन 40 सेक्शन 8 कंपनी, 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड 5 पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो टोटल अगर आप देखने जाओगे गाइस तो मैं 40 प्लस 10 प्लस 5 कंपनी, मतलब मैं 55 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हुआ, तो क्या मैंने 165 का वायोलेशन किया है? The answer is no. क्यों? Because ये 40 तो जो है वो कौन सी कंपनियां है? Section 8 कंपनी है, तो Section 8 कंपनी को काउंट नहीं करते। ये 10 क्या है? प्राइवेट कंपनी है। ये 5 क्या है? तो कि भैया पब्लिक कंपनी है, ठीक है। सो टोटल तो मैं 20 की लिमिट के अंदर हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर हूँ, एंड दूसरा पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं है, सो मैंने कोई सेक्शन का वायोलेशन यहाँ पे नहीं किया है। समझ में आ रहा है गाइस? Is there any doubt in this? ठीक है, सो दो चीजें देखी हमने, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी या डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी अगर आप अनलिमिटेड रखते हो तो डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो ना इसमें क्या बोला उसने, व्हाइल कैलकुलेटिंग, ये आ गया हमारा 5 जून 2015 का नोटिफिकेशन था गाइस, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज डायरेक्टर गाइस, फॉर क्या बोला इसने, एग्जिस्टिंग कंपनी जो आपकी है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज डायरेक्टर दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब समझाता हूं मैं इसको कि यहां पे ये जो आपका कंपनीज एक्ट है गाइस, समझना, ये जो आपका कंपनीज एक्ट है, ठीक है, सो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है गाइस, ये कंपनीज एक्ट 2013 के मोस्टली सेक्शंस इफेक्टिव हुए 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2014 से पहले क्या कंपनियां हुआ करती थी? द आंसर इज यस। तो इसने यही बोला सिंपली कि भैया ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उससे बिफोर, ये जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 है गाइस, उससे पहले जो कंपनियां थी, उससे पहले वाली जो कंपनियां है, राइट, अब उस केस में क्या हुआ करता था, समझना, अगर हम बिफोर की बात करें तो उस केस में अलाउड था, अगर हम बिफोर की बात करें तो बिफोर तो वहां पे क्या था कि प्राइवेट कंपनी में आप अनलिमिटेड डायरेक्टरशिप रख सकते थे, यस गाइस, समझ रहा, आप क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अनलिमिटेड डायरेक्टरशिप रह सकते थे, मतलब के कंपनीज एक्ट 2013 आया उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 अगर सचिन ठक्कर 90 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, कितनी 90 प्राइवेट लिमिटेड, तो भी वो वायोलेशन नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब ये 1/4/14 को कौन सा एक्ट लागू हो गया गाइस, कंपनीज एक्ट 2013, तो कानून ने बोला कि यहां से हम आपको 1 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं, ये 1 साल के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, आपको विद इन दिस वन ईयर राइट, डायरेक्टर हैव टू कंप्लाई विथ सेक्शन 165 एंड have to resign from the
एक्सेस कंपनीज डायरेक्टरशिप। क्या बोला सिंपली इसने कि भैया अगर आप एक से ज्यादा कंपनी में, मतलब कि 165 ने जो बोला है, 165 ने क्या बोला है, सो वो हमको अब पता चल गया है गाइस। 165 बोलता है कि मैक्सिमम आप कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकते हैं, आपकी 20 कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर वहां पे हो सकते हो, ठीक है। और ये 20 कंपनी में, ये 20 कंपनी में मैक्सिमम आपकी 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्लस डीम्ड पब्लिक कंपनी, डी पब्लिक कंपनी, डीपीसी, ठीक है। फिर वहां पे इसने क्या बोला है कि भैया आपकी सेक्शन 8 कंपनी जो है, ये सेक्शन 8 कंपनी आपकी अनलिमिटेड हो सकती है। एंड दूसरा क्या बोला, आपका डोरमेंट कंपनी भी आपकी अनलिमिटेड हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसने बोला कि भैया आप पहले जो थे यहाँ पे, बिफोर, बिफोर मतलब यहाँ पे आप, यहाँ पे आप कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से काम करते थे, ठीक है। तो उसमें तो प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड थी और वो सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि अब जब आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आ गए हो, तो हम आपको एक साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं। एक साल के अंदर आपको अपने आप को कैसा बना देना है गाइस, तो यस, आपको अपने आप को अभी जो फिलहाल सेक्शन 165 है वैसा बना देना है। मतलब कि आपको एक्सेस डायरेक्टरशिप आपकी जितनी भी होगी, वो एक्सेस डायरेक्टरशिप से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो अगर आप ये रिजाइन करने के लिए रेडी है, तब जाके आप 165 का कंप्लायंस करोगे, अदरवाइज वो वायोलेशन माना जाएगा। वेरी क्लियर गाइस, ठीक है। सो एक एक पॉइंट अपन यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, सो दैट वो आपको समझ में आए। ठीक है गाइस, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 165, उसको अपन यहां से भी देखते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है गाइस, सो ये आपका सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस गाइस, सो यहां पे इसने बोला, फोर्थ पॉइंट में देखिए गाइस, शेयर होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी, समझना क्या बोला यहां पे, फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहां पे शेयर होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन मे इंपोज रिस्ट्रिक्शन दैट इज लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप फॉर एनी ऑफ द डायरेक्टर। इसका मतलब क्या गाइस, क्या बोला इसने कि अगर आज मेरी कंपनी है, समझना, अगर आज ये फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं गाइस, फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको, ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाहता है। तो ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है गाइस, सेक्शन 165, ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि
सेक्शन 165 फोर्थ पॉइंट, सब सेक्शन 4 नहीं है गाइस, फोर्थ पॉइंट है, वो सिंपली यही बोल रहा है कि अगर आज सचिन ठक्कर जो है वो डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, ठीक है, मैं रिलायंस के साथ साथ, समझना गाइस ये एग्जांपल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसमें से, मैं रिलायंस के साथ साथ मैं डायरेक्टर था 15 अदर कंपनीज, मैं रिलायंस के साथ साथ 15 अदर कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर था, जिसमें से 5 पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी एंड 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, इस हिसाब से था, 20 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, अदर 15 अदर्स बोला है, मतलब टोटल में 16 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूं गाइस, ठीक है, सो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली चलेगा, कोई वायोलेशन मैंने इस केस के अंदर नहीं किया है, ठीक है, सो इस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। अब जब मैं रिलायंस के अंदर डायरेक्टर, ये मैं ऑलरेडी था, समझना गाइस, ये मैं ऑलरेडी था, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रपोज डायरेक्टर था, रेजोल्यूशन मेरा पास नहीं हुआ था, जैसे ही यहाँ पे मैं रिलायंस के अंदर प्रपोज टू बी सिलेक्टेड था, अबाउट टू सिलेक्ट था, ठीक है, तो वहां पे रिलायंस के शेयर होल्डर्स आए एंड रिलायंस के शेयर होल्डर्स ने बोला, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, रिलायंस के शेयर होल्डर्स आए, इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने बोला कि भैया, समझना गाइस, उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया एंड एसआर पास करके उन्होंने बोला कि हम आपको रिलायंस का डायरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं एंड रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा है कि अगर आपको रिलायंस का डायरेक्टर रहना है तो आप मैक्सिमम 8 कंपनी में ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर पाएंगे। समझना गाइस क्या बोला, सिंपली उसने कि अगर आपको रिलायंस का डायरेक्टर रहना है तो हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि आप मैक्सिमम 8 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर पाओगे, उससे ज्यादा आप डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर पाओगे, सिंपली उसने बोला। अब नाउ समझना गाइस, अब पहली बात तो ये, मुझे ये बताओ, क्या कोई भी कंपनी किसी पर्सन के ऊपर, जब सेक्शन 165 मेरे को अलाउ कर रहा है कि मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर रह सकता हूँ, तब क्या कोई भी कंपनी किसी पर्सन के ऊपर, किसी डायरेक्टर के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? प्लीज कमेंट योर आंसर, यस और नो। क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कोई भी लगा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैनी सेड यस, अक्षत सेड यस, लगा सकता है, क्यों भैया? बिकॉज सेक्शन 165 बोल रहा है, ठीक है, खुशबू, स्वाति, यक्षांगी, यस, मनन, श्लोक, ऑल आर सेइंग यस, यस सर, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नाउ इट इज अप टू मी गाइस, समझना, वो अब मेरे ऊपर है कि वेदर मैं रिस्ट्रिक्शन को इधर फॉलो करता हूँ तो यस डेफिनेटली आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा 15 का यहाँ पे जो डायरेक्टरशिप है वो मुझे कम करके क्या करना पड़ेगा गाइस, वो 8 तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे ये कंपनियों को नहीं छोड़ना है तो फिर ये मैं कंडीशंस जो है ये फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, एंड अगर मैं ये नहीं फुलफिल कर रहा हूँ तो फिर मुझे रिलायंस कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, सो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, इधर मैं क्या करूँ गाइस, सो इधर मैं वहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, ये कंडीशंस जो है उसको फॉलो करूँ या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मैं टाटा बाय करूँ, ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट अगेन एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, दैट शेयर होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, राइट, वो लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट उनको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फिफ्थ पॉइंट फॉर एक्टिंग एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या बोला इसमें, फॉर एक्टिंग एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 डायरेक्टरशिप एट अ टाइम, ठीक है, समझना, हम
वहां पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 150 पर, समझ रहे गाइस? विल डिस्कस हमारे यही चैप्टर के अंदर सेक्शन 151, इसमें हम स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होता है गाइस, पहले तो ये समझो व्हाट डू मीन बाय दिस स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, तो स्मॉल शेयर होल्डर मतलब 5 फीट 2 इंच वाला, जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है या 4 फीट 9 इंच है, उस शेयर होल्डर्स को हम क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलेंगे? है गाइस, एनीवन इन द क्लास जो मुझे आंसर कर सकता है, व्हाट डू मीन बाय दिस स्मॉल शेयर होल्डर, व्हाट डू मीन बाय दिस स्मॉल शेयर होल्डर, एनीवन इन द क्लास? है गाइस, एनीबॉडी, nobody, what do you mean by this small shareholder guys? Hey guys, बहुत सिंपल है, small shareholder का मतलब यही होता है ऐसा कोई भी shareholder जिसके पास 20,000 रुपीस और less amount के shares है, 20,000 और less amount के, ठीक है, कौन सी value? Book value, market value, right? That is book value. अगर किसी के पास 20,000 या उससे कम अमाउंट के शेयर्स है तो उस शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे गाइस? बोलो ना, क्या बोलेंगे उसको हम? स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, तो यस प्रियंका, गुड आंसर, हैविंग 20,000 रुपीस शेयर्स, 20,000 और लेस, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा प्रियंका तेरे आंसर में, यस गाइस। तो यहां पर 20,000 रुपए या उससे कम अमाउंट के शेयर्स अगर इसके पास है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर है। एंड ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर जो बेचारे हैं, जो गरीब है, समझो ना गाइस, राइट, के जिनकी कोई छत्र छाया नहीं है, माइट भी उनका कोई ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, आई डोंट नो, राइट, इसीलिए क्या बोला कि हे ऐसे छोटू छोटू से शेयर होल्डर्स है, इनके लिए हम किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं गाइस, इनके लिए हम किसी डायरेक्टर का क्या करने वाला है गाइस? अपॉइंटमेंट करने वाला है। ठीक है, तो सो दैट वो स्पेसिफिकली इनके लिए ही क्या रखेंगे, इनके ऊपर वॉच रखेंगे, इनका वहां पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, राइट, उनके लिए वो लोग देखभाल करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए आप किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हो उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो क्या कोई पर्सन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 20 कंपनीज में, कितनी कंपनीज में, क्या 20 कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है? द आंसर इज नो, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। क्या बोला? अब समझो गाइस, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना, क्यों? बिकॉज़ अब आपको ये पता चला है कि स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर क्या होता है। तो फॉर एक्टिंग एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप मैक्सिमम 2 ही डायरेक्टरशिप एट अ टाइम रख सकते हो, उससे ज्यादा आप यहां पे नहीं रख सकते। नो इश्यूज आयमन, यस गाइस, ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को? 5 चीजें देखी गाइस हमने सेक्शन 165 के अंदर, वी हैव डिस्कस दिस 5 थिंग्स, इसमें आपका पूरा सेक्शन आ गया गाइस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा कि एक बंदा 20 कंपनी से ज्यादा, मेरे साथ रिवाइज करो गाइस फटाफट, आपके सामने ये वर्क भी है, राइट, ये रहा, एक बंदा 20 कंपनी से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसमें से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी एंड डीम्ड पब्लिक कंपनी, राइट, मैक्सिमम 10, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आप यहाँ पे ये डायरेक्टरशिप कैलकुलेट करोगे तो 2 चीजें गाइस, सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, हम कैसे याद रखेंगे? तो सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है, वो 20 के लिमिट्स में वहां पे काउंट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट गाइस, ये रहो ना, देख रहा, ये रहा तीसरा पॉइंट, कि कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले अगर आपकी ज्यादा नंबर की डायरेक्टरशिप है, देन यू हैव टू चूज, देखो क्या लिखा गाइस, देयर आर हैविंग, ये देखो ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, देयर आर हैविंग 1 ईयर time period for choosing the directorship of 20 companies if they are director of more than 20 companies. Agar aap 20 se zyada company mein director ho, then you have to select 20 companies. Theek hai guys, so this is what your third point. Chautha point humne isme dekha guys ki agar koi company ka shareholders aapki directorship ke upar restriction lagana chahta hai for lesser number of directorship, hai guys, restriction sirf ek hi type ka hai, fir aisa nahi hai ki aap aise kaam karo, being a director aap ye kaam karo, wo kaam karo, jhadu pocha kar lo, nahi nahi nahi, aisa koi restrictions wo wahan pe nahi laga sakta, wo sirf ek hi restriction laga sakta hai, aur wo restrictions ye raha aapki aankhon ke samne, that is lesser number of directorship. ठीक है, बहुत बहुत
बहुत प्रॉपरली उसने क्लेरिफाई करके आपको बोला है, ठीक है। सो यस, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा गाइस, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ दे आर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द सेम, तो वो लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं मानोगे तो उस कंपनी को छोड़ दो, एंड अगर मानना है तो रिस्ट्रिक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड आप एट अ टाइम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप मैक्सिमम दो ही कंपनी के अंदर एट अ टाइम रह सकते हो। सिंपल एज दैट गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस इन सेक्शन 165 देन प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस प्लीज आस्क फॉर सेक्शन 165। सेकेंडली गाइस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी ये सेशन रहेगा वो जूम लाइव सेशन ही रहेगा, ठीक है। हर एक लेक्चर YouTube पे अपलोड नहीं होने वाला है, समझना। हर एक लेक्चर YouTube पे, वो YouTube पे थोड़ी मुझे पूरा फ्री कर देना है CA फाइनल लॉ, ठीक है। आप सब लोग फीस पे करके आए और वहां पे YouTube पे सब लोग फ्री में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दीज आर द डेमो सेशंस गाइस, राइट। ये आपका सेकेंड लास्ट डेमो सेशन है। एक और सेशन आपका जो संडे वाला है, दैट वुड बी द लास्ट डेमो सेशंस। तो सिर्फ मैं डेमो सेशंस ही YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ, बाकी एक भी सेशन YouTube पे नहीं अपलोड करने वाला हूँ। सो दोस्त जो अभी सुबह 8 बजे शायद नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा जो भी रीजन है, और बोल रहे कि नहीं सर तो सारे लेक्चर्स YouTube पे ही अपलोड करने वाले हैं, तो मैं उसको YouTube से देख लूंगा, या फिर वाई टू पे फीस फॉर द लॉ लेक्चर्स, राइट, बिकॉज ये सब कुछ तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। द आंसर इज नो गाइस। सिर्फ डेमो लेक्चर्स जो पहले 5 है वही YouTube पे अवेलेबल है, बाकी सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे ही अटेंड करने हैं। अगर किसी स्पेसिफिक रीजन से, कोई जेन्युइन रीजन से आप कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हो, तो फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन एप्लीकेशन पे अपलोड करके उसके लिंक आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दी जाएगी गाइस। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो, राइट, तो ही आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। नो डाउट रिविजन सेशन अपन करेंगे। अगर आपको कोई सेशन में नहीं पता चला है और आपको वो सेशन चाहिए, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए ये रिकॉर्डेड सेशन, बिकॉज ये आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो नो वरीज फॉर देट, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट वो लिमिटेड एक्सेस रहेगा गाइस, सिर्फ आपके तक ही रहेगा। उसी हिसाब से ही आपको वो लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप डेली लाइव सेशन ही अटेंड कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यूट्यूब के भरोसे मत रहना, वो ठीक है आज का सेशन है, नेक्स्ट सेशन तक संडे तक, बाकी आपका डेली फ्लो इस तरह से ही रहेगा और हम उसको लाइव ही एंजॉय करेंगे। सो दिस इज जस्ट अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड गाइस। यस गाइस, देयर आर टू डाउट्स, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन। यस प्रियंका, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा। स्पर्श बोल रहा है ओबीसी एंड फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड इन दीज 20 कंपनीज। डियर, फॉरेन कंपनी मतलब यू मीन टू से, अगर तू वो फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड हो जाएगी अगर वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो। बट अगर तू यूएसए की किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो वो यहाँ पे निस्बत नहीं करता, बिकॉज हम इंडियन कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। दूसरा ओपीसी, स्पर्श तू बात करता बेटा, तो ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको पता ही है, एंड प्राइवेट कंपनी का तो जिक्र हमने यहाँ पे कर ही दिया है, ठीक है गाइस। सो फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो डेफिनेटली पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है, तो वो वहां पे कंसिडर हो जाएगी सेक्शन 165 के अंदर। बट अगर आप किसी फॉरेन के अंदर जाके किसी कंट्री के अंदर आप एज अ डायरेक्टर वहां पे कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्रीना, फॉर शेयर, क्रीना का एक डाउट है गाइस, फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मैक्सिमम 2 डायरेक्टरशिप कैन बी एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ओनली। यस डियर, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपन सेक्शन 151 के अंदर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आप जो 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो उसमें आपको एक इनर लिमिट दी हुई है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो है वो आप 2 कंपनी के अंदर हो सकते हो। अगर आप 2 कंपनी के वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप एट अ टाइम होल्ड कर रहे हो तो अब आपके पास सिर्फ 18 ही नंबर बचा है, ठीक है। वो 18 में 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान वहां पे रखना है, ठीक है क्रीना। सो आपका जो डाउट है बेटा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मैक्सिमम 2 डायरेक्टरशिप दैट कैन बी हेल्ड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ओनली, तो यस, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन 151 मेड फॉर द सेम। एनी अदर डाउट गाइस इन सेक्शन 165? इफ नॉट देन वी कैन प्रोसीड फर्दर।
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं फिर इस पे, सेक्शन 165 से आगे बढ़ते हैं अपन। जस्ट अ मिनट, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Yes, guys. ये अपना डायरेक्ट को हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। सो 165 वी हैव डिस्कस गाइस, ये रहा आपके आंखों के सामने सेक्शन 165, ठीक है। ये जो मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बोला था गाइस, ये रहा वो आपका अमेंडमेंट, ठीक है, कि ये जो ग्रीन कलर के अंदर अमेंडमेंट आपको दिख ही रहा होगा, फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप, राइट। 20 companies, the directorship in a dormant company shall not be included, right? मतलब क्या, dormant company भी unlimited वहाँ पे हो सकती है, ठीक है? Special resolution pass करके आप क्या कर सकते हो, handle everything here, ठीक है? ये direct आपके साथ already share किया हुआ है guys, फिर भी मैं आपके साथ share कर दूँगा। अगर किसी के पास file नहीं है तो मुझे personal message कर देना guys, I'll send you। Yes, पेनल्टी गाइस, ये रहा पेनल्टी, वहां पे बाद में ऐड किया गया था। सो इफ अ पर्सन एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 मतलब जो 20 कंपनी से ज्यादा की है, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। गाइस समझना गाइस, यहाँ पे आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी है, ठीक है। सो 5,000 रुपीज पेनल्टी फॉर ईच डे, ऐसा नहीं कि एक टाइम वो एक बार पे कर दिया, एट जितने दिन आपने आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंस कंटिन्यूस, अगर आप सपोज आप एक साल के लिए, या फिर चलो थोड़ा सा कम रखते, आप सपोज एक महीने के लिए, ठीक है, आपने ये 20 से ज्यादा डायरेक्टरशिप हेल्ड करके रखी है, देन यस यू हैव टू पे फाइन ऑफ रुपीज 1,50,000 ओनली, ठीक है। 1,50,000 रुपए का आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा अगर आपने, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 रुपए ईच डे, अगर आपने ये डिफॉल्ट कंटिन्यू किया है तो, ठीक है गाइस। सो ये 3, 4, 5 नंबर तो देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गए गाइस, ये कब से आया, तो 2/11/2018 से अमेंडेड होके, तो ये सब कुछ गाइस आपको जो मेरे से नोट्स मिलेगी, तो कौन से दिन से ये चीज आई है, कब से आई है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पहले इसमें बहुत ज्यादा फाइन था जिसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। यस गाइस, उसके बाद बहुत इजी सा एक सेक्शन डिस्कस करते हैं अपन, बहुत सिंपल सा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन का नाम है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। गाइस, डायरेक्टर्स की भी कुछ ड्यूटी होती है क्या? यस, होती है। देखो ना, ये रहा सेक्शन 166 जो बात करता है गाइस, वो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। सेकेंडली गाइस, दूसरा, आज लास्ट के 10 मिनट के अंदर जितने भी सेक्शंस आज अपन रेफर करेंगे, वो सारे के सारे सेक्शंस मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, बिकॉज मैंने आपको एक वादा किया है गाइस कि आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एज फार एज लॉ इज कंसर्न, राइट, यू वॉन्ट नीड टू स्टडी एट होम, ठीक है। सो वो उसको हम फॉलो करके रखेंगे, राइट। आप भी मेरे साथ रिवाइज करते रहना, ठीक है, सो देट वो आपको इंटरेक्टिव भी रहेगा एंड आपको भी मजा आएगा। सेक्शन 166 बात करता है गाइस ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज होती है? रोज सुबह जल्दी उठने का, उठ के सबसे पहले ब्रश करने का, पानी पीने का, ठीक है, यही सारी ड्यूटीज होती है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं गाइस। अरे ड्यूटीज क्या होगी गाइस उसको, डायरेक्टर क्या अपने पैसों पर बिजनेस करता है? नो, बिकॉज कंपनी के अंदर पैसे किसने डाले हैं? तो गाइस पैसे जो डाले हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने डाले हैं, तो डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये पैसे शेयर होल्डर्स ने डाले हैं तो उसको गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली उसको काम करना पड़ेगा, राइट, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी recalled over there. क्या बोला इसने? Section 166 ये बोलता है, subject to the provision of these act, the director of the company shall act in accordance with the
आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. देखो ना गाइस क्या लिखा. सो मतलब के इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू फॉलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. क्यों? बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो एक कंपनी का एक बायलॉज होता है जिसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं. Then definitely it is the duty of the director to follow. Hey guys, क्या बोलेंगे हम उसको? Yes, it is the duty of the director to follow what guys? To follow articles of association. Simple? ठीक है. दूसरा, a director of a company shall act in a good faith. Hey guys, क्या बोला? भैया तेरे को काम करना है, but तू कैसे काम करेगा? Good faith में काम करेगा. Shall act in a good faith. ये उसकी दूसरी duty हो गई. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर. क्यों? बिकॉज पैसे किसके हैं? कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के है ना, मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ मेंबर एज अ होल एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इट्स एम्प्लॉइज. ठीक है, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. तो इट इज द ड्यूटी है कि भैया उसको क्या करना पड़ेगा, तो टू वर्क राइट. Director of the company shall act in a good faith. Good faith के अंदर ही काम करो भैया, सबका साथ सबका विकास वैसे करके ही चलो, so that employees का भी भला हो जाए, shareholders का भी भला हो जाए, directors का भी हो जाए, environment का भी हो जाए, सारी चीजें आपको यहाँ पे consider करनी पड़ेगी. ठीक है, उसके बाद guys, उसके बाद a director of the company shall exercise his due and reasonable care, skill and diligence and shall exercise the independent judgment. है guys, किसी के influence में नहीं आना है और उसको अपना स्किल, अपना डिलिजेंस जो सब कुछ है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से उसको यूज करना है. अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व. गाइस दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें से माइट भी आपको कुछ पूछ सकते हैं, बट यस वी शुड नो गुड फेथ में काम करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना है, इंडिपेंडेंटली जजमेंट लेना है. अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन व्हिच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट. राइट, मतलब कि आपको conflict of interest के अंदर काम नहीं करना है. There should not be any conflict of interest. है गाइस समझना. Should not be any conflict of interest. ठीक है, तो उस बात का आपको वहां पर definitely ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद a director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain. है गाइस, आपको कोई भी गलत फायदा नहीं उठाना है कि ठीक है यार ये कंपनी की प्रॉपर्टी और आप जाके अपनी वहां पे अपनी जो कंपनी की सपोज कोई कंपनी का बड़ा सा हाउस है और वहां पे आप अपना एक एक महीने के लिए गेस्ट को रुकवा रहे हो, अपने पर्सनल गेस्ट आए और वहां पे आप उनको एकोमोडेशन दे रहे हो, राइट, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, सब कुछ यूज हो रहा है. नहीं, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, इस कंपनी के पर्पस के लिए उसको यूज किया जाए और नॉट फॉर द अनड्यू गेन और एडवांटेज इधर टू हिमसेल्फ और फॉर रिलेटिव्स, पार्टनर्स, एसोसिएट्स. और इफ सच डायरेक्टर अगर ऐसा कुछ करता भी है, इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग सच अनड्यू गेन, he shall be liable. Okay, समझो ना, amount to equal to the gain to the company. जितना भी gain आपने किया होगा, वो gain को आपको भरपाई करना पड़ेगा. This is very important, guys. Sixth point. इसके लिए पहले separate section हुआ करता था, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही mention कर दिया है. A director of a company shall not assign his office. Hey guys, समझो ना. What do you mean by this? Shall not assign his office. मतलब के मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक महीने के लिए मेरे काम के लिए यूपी जा रहा हूँ तो मेरी जगह पे मेरा छोटा भाई एज अ डायरेक्टर काम करेगा. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? द आंसर इज सिंपली नो गाइस, समझना. आई कैन नॉट असाइन इन एनी सिचुएशन, आई कैन नॉट. देयर इज अ सेक्शन मेड फॉर द सेम कि अगर मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, है समझो ना. कौन सा सेक्शन था वो? कौन सा सेक्शन था? 161 सबसेक्शन 2 डबल एनसी, याद करो ना गाइस, डबल एनसी, राइट. वो हमने उसमें से ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर था, ठीक है, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस. अगर मैं 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया वो भी, ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं मेरी जगह पे किसी और डायरेक्टर को, और वो भी मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट असाइन माय ऑफिस, उसमें भी कौन करता था गाइस? द रेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वहां पे उस जगह पे डायरेक्टर को, दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करते थे, जिसको हम बोलते थे गाइस क्या, अल्टरनेट डायरेक्टर, समझो, राइट. तो उसमें मैं तो नहीं कर रहा था, वो तो कंपनी ही कर रही थी, राइट, रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा था. सो यहाँ पे अगर मैं मेरा असाइनमेंट करता भी हूँ किसी और को, तो वो क्या हो जाएगा गाइस? वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद गाइस, उसके बाद इसने बोला इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रावेंस करता है किसी प्रोविजन का, देन सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन
1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees, right? तो यहाँ पे सिंपली आपको कई पेनल्टी बोल दी है कि अगर आपने ये गलती की तो 1 lakh rupees से 5 lakh rupees तक का आपको जुर्माना भुगतना। So this is what simply a section 166 guys. फटाफट क्या बोला सबसे पहले कि आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना पड़ेगा, गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, गुड फेथ में आपको यहाँ पे क्या बोला, सबका साथ सबका विकास, ठीक है guys? विकास समझते हो ना, मोदी जी वाला, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, हमको सबको लेके चलना है, गुड फेथ में चलना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अरे तेरी खुद की बुद्धि चलाने की गाइस, ठीक है ना, दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट जजमेंट तू लेगा, तेरी स्किल रीजनेबल कैर तेरे को करना है, ठीक है, स्किल डिलीजेंस सब कुछ तेरे को संभाल के रखना है और उसको ही यूज करना है। फिर शुड नॉट डू एनी एक्टिविटी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता हूँ फोर्थ पॉइंट का, जैसे कि सपोज आज मेरी कोई कंपनी है, hey, listen guys. जैसे कि मेरी कोई आज कंपनी है सचिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मेरी कंपनी सपोज व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाती है, व्हाइट बोर्ड जो हम फेस टू फेस क्लासेस करते थे ना, वो व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाती है, ठीक है। अब मेरी कंपनी जो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बना रही थी उसमें मैं इंक जो थी व्हाइट बोर्ड के वो जो मार्कर होता है गाइस, उसकी इंक मैं मेरी पापा की कंपनी से परचेस कर रहा था। अब ये जो मेरी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर पैसे किसने डाले हैं, तो डेफिनेटली हर एक कंपनी के अंदर पैसा कौन डालता है, शेयर होल्डर्स डालता है गाइस। तो ये शेयर होल्डर ने पैसे डाले, समझना, ये शेयर होल्डर ने पैसे डाले, ठीक है, मेरी कंपनी के पास ये पैसे आए। अब बाजार में ये व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक जो थी, एक मार्कर के अंदर डालने के लिए ये इंक मिलती थी फॉर एन एग्जाम्पल 5 रुपए की। मैंने पापा को बोला, मेरी पापा की कंपनी को बोला जहां से मैं रॉ मटेरियल परचेस करता था गाइस, ठीक है, सो मैंने पापा की कंपनी को बोला कि एक काम करो, आप मुझे जो 5 रुपए वाला जो मार्कर का इंक है ना, आप मेरी कंपनी को 8 रुपए में दो, ठीक है। मैंने क्या बोला इनको कि भैया आप मुझे ये जो इंक प्रोवाइड कर रहे हो, ये इंक आप 5 रुपए की जगह पे 8 रुपए लो, ठीक है। मैंने बोला यार पैसे थोड़ी मेरे जेब से देने हैं, राइट, मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं, तो मेरे पास पैसे तो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर से आए हैं, ठीक है, आईपीओ लेके आया था फॉर एग्जांपल में या किस और चीज़। तो मैंने इनको बोला ठीक है यार, हे पापा आप मेरे को ये इंक प्रोवाइड करो और मैं आपको 5 रुपए की जगह पे कितने रुपए देता हूँ, एक मार्कर के लिए 8 रुपए देता हूँ, पैसे तो मेरे घर में ही जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। इस पॉइंट को बोलते हैं कि यस, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो सर क्या मैं फिर पापा की कंपनी को ऑर्डर ही नहीं दे सकता, अरे दे सकता हूँ, बट मुझे जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा गाइस, उसी तरीके से उनके साथ डील करना पड़ेगा, उस चीज के नेसेसरी डिक्लेरेशंस रेजोल्यूशंस वगैरह मुझे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे हम सेक्शन 184 के अंदर उसको डिस्कस करेंगे गाइस, वो मीटिंग रूम के अंदर वहां पे नहीं रह सकते, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यस गाइस, मुझे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बीइंग अ डायरेक्टर क्या करना है गाइस, दूर रहना है, राइट। सो ऐसे ही हम किसी जस्ट अ मिनट गाइस, किसी का कोई डाउट है सर, इफ प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर द पर्सनल यूज, मिस्टर अक्षत का डाउट है गाइस, बट आफ्टर दैट डायरेक्टर्स गिव्स द कंपनसेशन टू द कंपनी, देयर इज इट पॉसिबल फॉर द डायरेक्टर टू यूज दैट प्रॉपर्टी। देख बेटा, ये पर्पस सिर्फ क्या है अक्षत, के आप कंपनी की प्रॉपर्टी को कंपनी के लिए ही यूज करो, अगर आपने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए उसको यूज किया है, अगर आपने अनड्यू गेन किया है, then there is a penalty. Penalty क्या है? जो compensation, मतलब जितना आपने फायदा लिया है कंपनी की प्रॉपर्टी से, उतना आपको कंपनी को पैसा दे देना पड़ेगा। अब अगर पैसा देना ही है, तो फिर हम कंपनी की प्रॉपर्टी की यूज करें यार, किसी को हम वहां पे, there are many other options available, ठीक है, तो हम वही चीज ना करें, ठीक है। बट यस डेफिनेटली, यहाँ पे अगर आप कंपनी की प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपको वहां पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। Okay guys,
सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है ओहो आज तो हम करेंगे, अरे सर हम कब से वैकेशन ही कर रहे हैं, जो बात करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस के बारे में। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस वैकेशन ऑफ ऑफिस, समझो ना, कोई डायरेक्टर है अगर ये डायरेक्टर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि जिसको हम, ये डायरेक्टर जो है वो कंपनी के अंदर है, गाइस दिस इज आवर कंपनी, ये अपनी कंपनी है, ये कंपनी में ये भाई साहब डायरेक्टर है, ठीक है, बट इसने ऐसी कोई हरकत की है, समझना हरकत समझो गाइस, ये यही वाला जो मैंने लिखा है हरकत, ठीक है, ऐसी कोई हरकत की है कि हम इस डायरेक्टर को उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसको बोलते बेटा टाटा बाय बाय, यू हैव टू वैकेट द ऑफिस, गेट लॉस्ट, क्या बोल रहे हैं उसको, गेट लॉस्ट। यस देयर आर सो मेनी सिचुएशंस गाइस, अगर वो सेक्शन 167 की कोई भी हरकत करता है तो उसको हम इस कंपनी से, देखो ना हरकत, ऐसी कोई भी हरकत करता है, परपस समझो गाइस, तो उसको हम कंपनी से उठा के फेंक देंगे, उसको ये वैकेट करना पड़ेगा या फिर वीकेंड से उसको हम वैकेशन पे भेज देंगे, बट ये परमानेंट वाला वैकेशन होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सो ऐसी कोई हरकत करने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसी कोई हरकत की, अब हमको समझना ये है सर ऐसी कौन सी हरकत है जो इसके अंदर फॉल्व होती है, ठीक है, यस उसको भी डिस्कस करते कैसे सर। सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वैकेशन ऑफ ऑफिस के बारे में वो बात करता है गाइस, द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है, एक तो ये लिंक्ड सेक्शन है गाइस सेक्शन 164 से, क्यों अभी समझ में आएगा आपको, सब सेक्शन 1 पढ़ोगे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी गाइस, क्या लिखा है, द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट, The office of a director shall become vacant. Office of a director shall become vacant. मतलब कि ऑफिस खाली नहीं करना है, ऑफिस में से इस डायरेक्टर को निकाल देना है. In case he incurs any of the disqualification of section 164. ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है. कोई भी हरकत करता है, ये सबसेक्शन 1 क्या था गाइस, सबसेक्शन 1 अपने कर्म पे भुगतते हैं, अपना कर्म समझते हो, मतलब आपकी खुद की गलती है, अपने कर्म पे भुगतना, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल है गाइस, सो उसको आप देख सकते हो, ठीक है, उसको मैं नहीं हटाऊंगा, वो डेमो सेशन है। 164(2) क्या था गाइस, अभी मैंने सुबह आके आपको रिवाइज करवाया कि दो चीजें हो सकती है, इधर आप जिस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो उस कंपनी ने पिछले 3 साल का AOC-4 एज वेल एज MGD-7 कंसेक्यूटिव 3 साल का है ना वो फाइल नहीं किया है, या फिर वो कंपनी ने डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, डिबेंचर्स वगैरह को रिडीम नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर करके दिया नहीं है और वो डिफॉल्ट 1 साल तक कंटिन्यू है, तो फिर आप 164 में फॉल होते हो। अगर 164 में फॉल होते हो गाइस, तो अब दो चीजें हो गई, एक तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए और दूसरा 167 क्या बोलता है कि आपको ये ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑफिस वैकेट, बिकॉज़ 167 के अंदर 164 का रेफरेंस दिया हुआ है मेरे भाइयों बहनों, समझो ना, तो यहां पे दोनों चीज होगी, डिस्क्वालिफाइड भी हो जाओगे, ऑफिस भी वैकेट करना पड़ेगा। बट यस गाइस देयर इज एन अमेंडमेंट, देखो नीचे जो ग्रीन के अंदर होगा ना गाइस, मैं जब भी आपको डायरेक्ट पढ़ाऊं और उसमें अगर आपको ऐसा ग्रीन कलर देखने को मिल जाए तो समझ लियो कि वो क्या है, अमेंडमेंट है, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जो है गाइस क्या बोला इसने, प्रोवाइडेड दैट वेरी इनकर्स, देखो ना क्या लिखा, provided that where he incurs disqualification under subsection 2 of section 164, the office of the director shall become vacant in all companies,
अदर देन द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट अंडर दैट सबसेक्शन. इसका मतलब क्या है? ठीक है, समझते इसको, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आज दूर तक जाएंगे अपन. ठीक है, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक इसको समझेंगे. क्या बोलता है 167? ठीक है, इसमें सबसेक्शन 2 है. ठीक है, ये रहा 167, उसमें सॉरी सबसेक्शन 1A के अंदर. ठीक है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये अपना 1A. ठीक है, 6 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 167 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज A, ये बोल रहा है कि अगर आपने, पहले तो उसने क्या बोला कि अगर आप सेक्शन 164 के अंदर फॉल होते हो तो आपको हैव टू वैकेट द ऑफिस. ठीक है, बट फिर इसके अंदर क्या आया गाइस, अमेंडमेंट आया. हम भी अमेंडमेंट को ग्रीन से ही लिखते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या आया, अमेंडमेंट आया और क्या बोला कि अगर आप 164 सबसेक्शन 2 के अंदर वायोलेशन करते हो. ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं. तो इसमें आपको हैव टू वैकेट, पहले ये समझ लेते हैं, हैव टू वैकेट ऑफिस फ्रॉम ऑल कंपनीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट द कंपनी इन विच डिफॉल्ट मेड. लॉजिक के साथ समझाऊंगा गाइस, मैं आपको कंपनी लॉ के या अदर लॉ के जितने भी सेक्शंस पढ़ाऊंगा गाइस, हर एक चीज का, ये सेक्शन क्यों आया है, कब तक इवन रहने वाला है ना, उसका भी अंदेशा वहां पे आ जाता है. ठीक है, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आ सकता है. ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा गाइस. यहाँ पे क्या लिखा, पहले ये समझ लो, हैव टू वैकेट द ऑफिस फ्रॉम ऑल द कंपनी एक्सेप्ट द कंपनी इन विच डिफॉल्ट, इन विच डिफॉल्ट मेड. ठीक है, सपोज गाइस, फॉर एन एग्जांपल, सपोज समझते हैं, एग्जांपल के जरिए समझते हैं. सपोज आई एम अ डायरेक्टर सचिन ठक्कर, आई एम अ डायरेक्टर इन 4 कंपनीज. ठीक है, 4 कंपनीज, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS के अंदर डायरेक्टर था, ठीक है, टाटा मोटर्स के अंदर डायरेक्टर था, एंड रिलायंस के अंदर डायरेक्टर था, TCS हो गया, TCL हो गया, TCS के अंदर डायरेक्टर हूँ, टाटा मोटर्स के अंदर डायरेक्टर हूँ, एंड दूसरा मैं डायरेक्टर हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी. अब मैं ये 4 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, समझना गाइस. अब हुआ यू के जो TCS के अंदर मैं डायरेक्टर था, ये TCS कंपनी ने, ये प्रणव कितनी आईडी से तू आ रहा बेटा, यस गाइस, ये TCS के अंदर मैं डायरेक्टर था गाइस. अब ये TCS ने सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का वायोलेशन किया. आपको पता है ये 164(2) क्या है, इट नॉट फाइल्ड AOC-4 और MGT-7 फॉर कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब सेक्शन 167 क्या बोलता है कि इफ यू हैव मेड एनी वायोलेशन ऑफ सेक्शन 164 तो आपको ये सारी की सारी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, वैकेट द ऑफिस फ्रॉम ऑल कंपनी. ठीक है, ऐसा कौन बोलता है गाइस, सेक्शन 167 बोलता है, तो आई हैव टू वैकेट माय ऑफिस फ्रॉम रिलायंस, फ्रॉम TCS, फ्रॉम टाटा मोटर्स, फ्रॉम IOC. सर क्यों ऐसा, गलती सिर्फ TCS ने की है, गलती सिर्फ किसने की है, TCS ने की है, तो फिर ऐसा क्यों सर, अगर गलती सिर्फ TCS कर रहा है तो फिर ऐसा क्यों, समझना गाइस. अब लॉजिक समझाता, मैं डायरेक्टर हूं TCS के अंदर. ठीक है, इट इज माय ड्यूटी बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी
मेरी स्किल डिलीजेंस अभी पढ़ा ना हमने 166 के अंदर राइट ड्यूटीज के बारे में हमने देखा तो आई हैव टू कंप्लाई विद ऑल द सेक्शंस ऑफ द कंपनी लॉ एंड अदर लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी आई हैव नॉट डन द सेम. अब इसका क्या लॉजिक है कि भैया टीसीएस ने गलती की 167 क्या बोल रहा है देखो ना इसका क्या लॉजिक है गाइस के टीसीएस ने गलती की ठीक है तो उस केस के अंदर इन्होंने बोला कि भैया मैं हर एक कंपनी से ऑफिस छोड़ूंगा वैकेट द ऑफिस फ्रॉम ऑल द कंपनी बट एक्सेप्ट इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है. डिफॉल्ट किसने किया था टीसीएस मतलब मैं टीसीएस के अंदर डायरेक्टर रह सकता हूँ बट बाकी मुझे रिलायंस से ऑफिस छोड़ना पड़ेगा मुझे टाटा मोटर्स से छोड़ना पड़ेगा एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से छोड़ना पड़ेगा बट अगर मैं टीसीएस के अंदर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कैन कंटिन्यू. थोड़ी सी लॉजिक है अरे समझो ना गाइस इसका क्या लॉजिक है सिंपली सेक्शन 167 ये बोलता है कि यहाँ पे तो टीसीएस के अंदर ये जो वायोलेशन हुआ ठीक है अब टीसीएस के अंदर टोटल तीन डायरेक्टर्स थे सपोज मैं था मेरा छोटा भाई बादल था एंड मेरे पापा थे ठीक है बादल ठक्कर मिस्टर अरविंद ठक्कर एंड सचिन ठक्कर हम तीन डायरेक्टर्स थे तो 164 क्या बोलते हैं कि सारे डायरेक्टर्स 5 साल के लिए सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते वो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कहीं सुबह रिविजन भी किया था ठीक है तो अगर सारे डायरेक्टर्स चले गए गाइस ठीक है तो फिर ये कंपनी के कंप्लायंसेस कौन करेगा. अगर सारे डायरेक्टर्स चले गए तो फिर ये कंपनी के अंदर अगर कुछ इश्यूज आते हैं और कंपनी को अपीयर होना है तो वो कौन जाएगा एंड दैट्स व्हाई उन्होंने वहां पे अलाउड किया कि अगर क्या अलाउ किया कि भैया अगर आप कुछ वायोलेशन कर रहे हो तो ठीक है ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल नहीं हो तो गेट लॉस फ्रॉम ऑल द कंपनीज इवन आप एक ऐसे तत्व हो जो ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां है रिलायंस वाले के जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया बट आप वहां पे डायरेक्टर हो समझ रहे सचिन ठक्कर इज अ डायरेक्टर ठीक है इन रिलायंस ऑल्सो तो आप ये अच्छी अच्छी कंपनी को भी क्या कर सकते हो जो तीन अच्छी कंपनी है उनको भी आप बिगाड़ सकते हो. तो सेक्शन 167 क्या बोल रहा है हे सचिन ठक्कर यू गेट लॉस फ्रॉम ऑल द डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्टरशिप राइट फ्रॉम ऑल द कंपनीज जिसके अंदर तू डायरेक्टर है बट यस तू इससे अभी मत जाना बिकॉज इसके अभी कंप्लायंसेस बाकी है इसमें पेनल्टी भी आ सकती है जो हम तेरे से वसूल करेंगे इसमें कुछ और चीज भी आ सकता है ठीक है. तो ये सारी चीजें लिसन गाइस क्या बोला इसने कि अगर ये सारी चीजें फिर बाद में भुगतनी है तेरे को ठीक है इसीलिए हम तेरे को जिस कंपनी में तूने डिफॉल्ट किया है वहां से हम तेरे को नहीं जाने देंगे बट जितनी भी और कंपनियों के अंदर तू डायरेक्टर है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 यू हैव टू लीव द ऑफिस. Simple as that, guys. Right? So this is what the logic. Because अगर कोई company कोई violation करती है, guys, तो फिर ये violation के ऊपर आपको penalty भुगतनी पड़ सकती है. ये violation के अंदर आपको NCLT के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. ठीक है? बहुत सारी चीजें करनी है ना. तो अगर उसको आप office छुड़वा दोगे, तो ये सब करेगा कौन? समझ में आ रहा है क्या? Because company is an artificial person, director से ही चलती है, ठीक है? तो ये सारे purposes के लिए उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा, and that's why section 167 यहाँ पे बोल रहा है, देखो ना क्या बोल रहा है, where he incurs provided that where he incurs any disqualification, ठीक है? Under section 164 subsection 2, तो वहाँ पे the office of director shall become vacant in all companies. सारी कंपनीज के अंदर आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अदर देन द कंपनी व्हिच इज इन द डिफॉल्ट अंडर दैट सबसेक्शन. ठीक है समझना 167 सबसेक्शन 1A देखा हमने. ठीक है कि हमने यहां पे क्या देखा कि अगर आप सेक्शन 164 के अंदर कोई वायोलेशन करते हो यू हैव टू वैकेट द ऑफिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मुझे बताओ गाइस सेकंड पॉइंट पढ़ने से पहले अब मुझे बताओ कि अगर कोई कंपनी ठीक है 1B पढ़ते हैं अगर कोई कंपनी के अंदर आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है तो व्हाट इज योर ड्यूटी. सो योर ड्यूटी इज कि भैया कंपनी के गुड फेथ में काम करो टू अटेंड एंड कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग. Because आपका इंडिविजुअल तो है नहीं ना पूरे बोर्ड को डिसाइड करके ये करना टू अटेंड एंड कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग. ठीक है एंड टू डू द बिजनेस और फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी.
ठीक है, दिस इज वॉट योर प्राइमरी ड्यूटी, ठीक है, समझ लो, दिस इज वॉट योर प्राइमरी ड्यूटी, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब समझना, ये कंपनी जो होती है गाइस, वो कंपनी के सारे डिसीजंस एक डायरेक्टर सिंगल लेता है क्या? नहीं ना, ये कंपनी के जो सारे डिसीजंस है गाइस, वो सारे के सारे डिसीजंस किसको लेने पड़ते हैं? पूरा बोर्ड कलेक्टिवली मीटिंग करता है, इकट्ठा होता है, तब जाके लेता है। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपने, एक है समझना, सपोज मेरा ही नाम लेता हूं, ठीक है, कि मैंने जिस कंपनी में डायरेक्टर हूं गाइस, मैंने उस कंपनी की पूरे साल में नॉट अटेंडेड अ सिंगल बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर। पूरा साल बीत गया, मैंने उस कंपनी की एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, और मैं अपने आप को डायरेक्टर बोल रहा हूं। समझना, कानून ने बोला ऐसे बंदे को क्या करो, ये रहा, ऐसे बंदे को क्या करो, ये क्या बोला, ऐसी कोई भी हरकत अगर मैं करूंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। समझना, पहली हरकत क्या बोली, कौन सी वाली थी, 164 वाली है कैसी, ये हरकत मतलब क्या, तो ये हरकत के लिए हरकत का लिस्ट बनाते ना अपन। हरकत में पहली ए वाले में क्या हरकत था, कि अगर मैं 164 का कोई डिस्क्वालिफिकेशन करता हूँ। बी वाला हरकत क्या था, नॉट अटेंडेड अ सिंगल बोर्ड मीटिंग इवन इन अ ईयर। तो ऐसी कोई भी हरकत अगर मैं करता जाऊंगा, एक भी हरकत में करता हूं, तो सेक्शन 167 क्लियरली बोल रहा है, यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस। सिंपल है गाइस, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए। ठीक है, क्या बोला, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स, है गाइस, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कोमा में हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, समझ में आ रहा है क्या, वॉट एवर द रीजन में भी, चाहे आप परमिशन लेके गए थे, चाहे आप परमिशन, देखो क्या लिखा है, विथ और विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ एब्सेंस, आपने परमिशन लिया हो या न लिया हो, अगर आपने पिछले 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है, यू हैव टू वैकेट द ऑफिस। ठीक है गाइस, सो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट बात करता था 164 के बारे में, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट गाइस, कि एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन व्हिच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, इसका बेस्ट एग्जांपल गाइस, मैंने बोला भी था 184 आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, इसका ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये मार्कर वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया गाइस, ठीक है, बताता हूं आपको कहां पे दिया। ये रहा गाइस, अगर मैं कोई ऐसी हरकत करता हूं, ये एग्जांपल देखो, ठीक है, कि यहां पे मेरी कंपनी सचिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, मैं पापा की कंपनी से इंक परचेस करता हूं, ठीक है, मैं पापा की कंपनी से क्या कर रहा हूं गाइस, इंक परचेस कर रहा हूं, देन यस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे ये सब कुछ जो भी करना होगा वो मैं ये ट्रांजैक्शन तो मैं कर सकता हूं गाइस, बट मैंने क्या किया, 5 रुपए की मार्कर की इनके लिए 8 रुपए दिया, ये ट्रांजैक्शन तो मैं कर सकता हूं, बट व्हाट आई हैव टू डू, इस केस के अंदर मुझे जो भी नेसेसरी परमिशंस है, सेक्शन 184 का कंप्लायंस है, वो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 184, ठीक है, सेक्शन 184 टू बी कंप्लाइड विद। वो क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करते हो, राइट, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो, उसमें देखो ना क्या लिखा, सी पॉइंट, ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, राइट, पापा की कंपनी से मैंने कोई इंक वगैरह परचेस कर ली, बट मैंने 184 का कंप्लायंसेस नहीं किया, रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर हो रहा हूँ, मेरी कंपनी पापा की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है,
और अरेंजमेंट जिसके अंदर मैं क्या हूँ, इन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। डेफिनेटली मैं, अगर मेरी कंपनी सचिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है और वो पापा की कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके अंदर मैं क्या हो जाऊंगा गाइस, इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। एंड अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो आई हैव टू डिस्क्लोज माय इंटरेस्ट, राइट? एंड आई हैव टू, और मुझे इसमें क्या होता है गाइस, समझो 184 सिंपली यही बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, या फिर आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, या किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है, तो उस केस के अंदर आप उस कंपनी के जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उसकी मीटिंग के अंदर आप नहीं प्रेजेंट रह सकते, बिकॉज यू आर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यू कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ठीक है, बट प्राइवेट कंपनी में इश्यू ये होता था कि दो ही डायरेक्टर है, उसमें एक डायरेक्टर सपोज इंटरेस्टेड है और अगर वो प्रेजेंट नहीं रहा तो फिर कोरम नहीं होगा, एक डायरेक्टर तो खुद के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। तो प्राइवेट कंपनी में 184 ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, इंटरेस्टेड डायरेक्टर वहां पर प्रेजेंट रह सकता है बट उसके पास कोई वोट देने का अधिकार नहीं है, राइट? मतलब के जो बाकी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड नहीं है, दे विल डिसाइड वेदर टू डू दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द पापा'स कंपनी और नॉट। सपोज मेरी कंपनी ये जो सचिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर सपोज आइलिन डायरेक्टर है, यक्षांगी डायरेक्टर है, मयूर डायरेक्टर है, सचिन ठक्कर डायरेक्टर है, मेरा भाई बादल ठक्कर डायरेक्टर है, वी फाइव आर डायरेक्टर्स, समझ लो। और पापा की कंपनी के साथ, मेरी पापा की कंपनी के साथ अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इस मीटिंग जो सचिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो बोर्ड मीटिंग करेगा, उसमें सचिन ठक्कर एंड बादल ठक्कर वहां पे प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी होती तो हम लोग प्रेजेंट ही नहीं रहते, एंड यक्षांगी, मयूर एंड आइलिन विल डिसाइड वेदर टू डू द सेड कॉन्ट्रैक्ट, वेदर टू गिव द ऑर्डर ऑफ मार्कर्स इंक टू पापा'स कंपनी और नॉट, समझ लो। बट अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो मी एंड बादल कैन बी प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग बट वी कैन नॉट वोट। हम वहां पे वोट नहीं कर सकते कि 5 रुपए में ट्रांजेक्शन करना है, 8 रुपए में करना है, 7 रुपए में करना है, हम वोट नहीं कर सकते, हम सिर्फ वहां पे चुपचाप आके बैठ सकते हैं, समझना। बट अगर मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम दोनों वहां पे मीटिंग रूम से लिटरली बाहर भेजे जाएंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द 3 डायरेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, दे विल डिसाइड वेदर टू डू कॉन्ट्रैक्ट विद द पापा'स कंपनी और नॉट। इसको हम डिटेल में सेक्शन 184 के अंदर डिस्कस करेंगे, बट यस, मैंने आपको पूरा समरी बता दिया गाइस, राइट? एक भी चीज को हम वहां पे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है? हम हर एक चीज को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो यहां पे इसने क्या बोला गाइस, देखो ना, कि एक्ट्स इन द कॉन्ट्रावेंशन, मैंने 184 का कंप्लायंस नहीं किया। तो अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है गाइस, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं तो हैव टू डिस्क्लोज माय इंटरेस्ट। ये देखो नीचे लिखा हुआ ही है, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन व्हिच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184, ठीक है? तो यस, ये दोनों केसेस में, ये दोनों केसेस सी एंड डी पॉइंट दोनों किसके बारे में बात करता है, कैसे देखो ना, ये सी एंड डी पॉइंट ये दोनों के दोनों बात करता है सेक्शन 184 के बारे में, ठीक है गाइस? तो हम वो हरकत का लिस्ट बना रहे थे, गाइस, ये रही वो हरकत है, यस गाइस। सो यहां पे हमारी एक और हरकत है कि मैंने सेक्शन 184 का इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, राइट? या फिर मैंने वायोलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184 या फिर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने नहीं दिया है, ठीक है? सो अगर मैं ये दोनों में से कोई भी चीज करता हूं, देन यस, मुझे फेंक दिया जाएगा, कंपनी से बाहर फेंक दिया जाएगा, ये रहा, यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, वैकेट कर देना पड़ेगा मुझे इस ऑफिस को, सिंपल एज दैट गाइस। चारों चीजें समझ में आ रही है, 164 का वायोलेशन किया है, नॉट अटेंडेड अ सिंगल बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, या फिर ये दो चीजें जो सेक्शन 184 के अंदर है वो मैंने की है। ई पॉइंट क्या बोलता है गाइस, वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। अब ये ई एंड एफ पॉइंट है ना गाइस, वो रिपीटेटिव है। कैसे रिपीटेटिव? ऑलरेडी जब मैं सब क्लॉज ए के अंदर ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने 164 का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर किया होगा, ऑलरेडी मैं ये बोल रहा हूं 164 का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन किया होगा तो मुझे इस ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ गाइस, क्या ये 164 के अंदर आ जाता है?
he becomes disqualified by an order of the court or a tribunal. Kya ye 164 ke andar aata hai? Yes or no? The answer is yes. It is a part of 164. Fir ye F point dekho. Is convicted by a court of any offense, whether involving moral turpitude or otherwise, right? Aur uske liye usko 6 mahine ki saza hui hai. Kya mujhe batao ye 164 ke andar aata hai? Yes or no? Yes. These two are the part of 164, and we have already discussed in section 164, guys. ठीक है? तो ये सिर्फ repetitive किया है, guys. फिर इसके अंदर clarification दिया F point के अंदर, provided that the office shall not be vacated. आपको office छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. By the director in case अगर आपने E या F point E and F point, ठीक है, तो उसमें आपको पहले 30 दिन तक for 30 days from the date of conviction of the order of disqualification, मतलब कि आपने disqualification कर दिया, पहले 30 दिन तक आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, 30 दिन के बाद आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. सपोज आपने E and F point के अंदर कोई violation किया है, ऐसा कंपनी को लग रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई वायोलेशन नहीं किया है. डायरेक्टर आपको ऐसा लग रहा है आपने कोई वायोलेशन नहीं किया है, कंपनी को ऐसा लग रहा है, समझना गाइस, तो फिर आपके ऊपर केस चलेगा, समझना गाइस. कानून ने बोला कि आपने उस चीज के लिए अपील फाइल कर दी कि भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कंपनी के इस ऑर्डर से, कंपनी मुझे वैकेशन ऑफ ऑफिस पे भेज रही है, बट मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने कोई वायोलेशन नहीं किया है. यू फाइल्ड एन अपील विद द हायर कोर्ट. क्या बोला? वेयर एन अपील, समझना गाइस, और पिटीशन इज प्रेफर्ड. अगर आपने पहले 30 दिन के अंदर, बिकॉज पहले 30 दिन तो वैसे भी यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है, पहले 30 दिन तो वैसे भी आप वहां पे ऑफिस वैकेट नहीं करोगे. अगर उस 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फाइल कर दी है एज अफोरसाइड अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन द सेंटेंस और ऑर्डर, तो जब तक अंटिल 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अपील और पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ. इसको डिटेल में समझते हैं. सपोज ये यहाँ पे डेट वाइज गाइस चलते हैं अपन, ठीक है, डेट वाइज मैं आपको बताता हूँ सो देट आपको पता चलेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस. द लास्ट सेक्शन, दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर द डे, ठीक है. यहाँ पे आपने ई या एफ पॉइंट का वायोलेशन किया, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आपने ई या एफ पॉइंट का वायोलेशन किया है, फॉर एन एग्जाम्पल 1/4/2020 को, तो पहले 30 दिन तो आपको ऑफिस वैकेट नहीं करना है. सब पॉइंट वन क्या बोलता है कि 30 डेज तो आप ऑफिस वैकेट नहीं करोगे, ठीक है, सो अप टू 30th अप्रैल तो आप कंपनी में रह सकते हो. ये समझ में आया क्या आपको? पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर 30 डेज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वैकेट द ऑफिस. डिस्क्वालीफाइड हो चुके हो अकॉर्डिंग टू कंपनी. डिस्क्वालीफाइड आप कब हुए हो गाइज? तो आप डिस्क्वालीफाइड हुए हो 1/4/20 को. बट क्या बोला है? पहले पॉइंट फिर से पढ़ो. फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और द ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. आप कन्विक्टेड हुए हो या डिस्क्वालिफिकेशन तय हो गया है आपका, वहां से 30 दिन तक 30 डेज तक देयर इज नो नीड टू वैकेट द ऑफिस, ठीक है. फिर दूसरा क्या बोला? अगर आप इस 30 पीरियड इस 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब के 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, इन बिटवीन आपने क्या किया? आपने अपील फाइल कर दी. समझना, 30 अप्रैल के बाद करोगे तो कोई आपका हाथ नहीं थामेगा, बिकॉज 1 मई से आप क्या हो जाओगे, आपकी ऑफिस क्या हो जाएगी? वैकेट हो जाएगी. बट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने क्या कर दिया है गाइस? यू हैव फाइल्ड द अपील. पढ़ो गाइस, इंग्लिश में लिखा है, देखो, वेयर एन अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड विदिन 30 डेज एज अफोरसाइड अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन द सेंटेंस और ऑर्डर, ठीक है, तो आप कब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हो? अब आपने अपील फाइल कर दिया ना, अपील का रिजल्ट आया 6 महीने के बाद, ठीक है, अपील फाइल, ये अपील का रिजल्ट आया, अपील को डिस्पोज ऑफ किया गया, कब किया गया? 30th अक्टूबर को अपील डिस्पोज ऑफ, 30th अक्टूबर को इस अपील को डिस्पोज ऑफ किया गया. मैं आपको ये लिखा हुआ स्लाइड ही शेयर कर दूंगा गाइस, दिस विल बी शेयर्ड विद यू, डोंट वरी, सो देट आपको अगर घर पे लिखना हो या ऐसा कुछ भी समझना हो तो समझ में आए. सो 30th अक्टूबर को इस अपील को डिस्पोज ऑफ किया गया, तो क्या सर मैं 30th अक्टूबर तक ऑफिस को वैकेट करूंगा? द आंसर इज नो गाइस. अभी आपको कब ऑफिस वैकेट करना, क्या लिखा है? अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विन फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अपील और द पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ. कब डिस्पोज ऑफ हुआ है गाइस? 30th अक्टूबर को, ठीक है. यहां से आपके पास कितने दिन है गाइस? 7 डेज और है.
ठीक है, मतलब कि आपको 7th of November को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. 7th of November को यू हैव टू वैकेट द ऑफिस. बट अभी उसमें तीसरा पॉइंट भी बाकी है. तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, अगर आप ऐसी कोई फर्दर अपील कर रहे हो, मतलब के सपोज ये हाईकोर्ट के पास है, सेकेंड पॉइंट में आप, फॉर एन एग्जाम्पल, आप सेकेंड पॉइंट में हाईकोर्ट के पास थे, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि हे सचिन ठक्कर तू जो बोल रहा है कि तू डिस्क्वालीफाइड नहीं है, नहीं बट हाईकोर्ट बोल रहा है, हाईकोर्ट के जजिस बोल रहे हैं, ऑनरेबल जजिस अकॉर्डिंग टू अस यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू हैव टू वैकेट द ऑफिस. ऐसा उन्होंने जजमेंट कब दिया? 30th of, समझो ना, ऐसा जजमेंट उन्होंने कब दिया? 30th of October को दिया. ठीक है, कानून क्या बोलता है, अगर मैं उसके बाद फर्दर 7 days में सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, देखो ना थर्ड पॉइंट क्या बोला, वेर एनी फर्दर अपील और पिटीशन इज प्रिफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस विद इन 7 days अंटिल सच फर्दर अपील और पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ. तो अब 7 days, अब तो सुप्रीम कोर्ट में गया हूं गाइस, ठीक है. तो मैंने अगर समझो ना, मैंने अगर यहां पे अगर 1st November से लेके 7th of November तक, ठीक है, मैंने फर्दर अपील फाइल कर दी है, ठीक है. सो ऐसी कोई फर्दर अपील अगर मैंने फाइल की होगी गाइस, तो कानून ने बोला जब तक ये अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तो ये अपील मेरी डिस्पोज ऑफ हुई 2 महीने के बाद फॉर एन एग्जाम्पल, और वो डिस्पोज ऑफ हुई 6th of January 2021 को, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे 6 जनवरी 2021 तक वैकेट करवा पाए मेरी ऑफिस को. ठीक है, फिर से एक बार उसको कंक्लूसिव करते हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है गाइस, ये डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर कब आया? 1/4/20 को. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर रेफर्ड इन सब क्लॉज ई और एफ फॉर 30 days, राइट. तो पहले 30 दिन ये रहे, ये 30 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं है मुझे निकालने की, सो 30th April तक. फिर उसने क्या बोला है कि अगर मैं ये 1st April से 30th April के बीच में क्या कर देता हूँ गाइस, अपील फाइल कर देता हूँ, ठीक है, जब तक ये अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, उसके बाद भी मेरे पास 7 days है, ठीक है, तब तक मुझे कोई निकाल नहीं सकता. फिर इन पीरियड के अंदर, ये पीरियड जो है गाइस, ये पीरियड के अंदर अगर मैं फिर से फर्दर अपील करता हूं, तो जब तक ये फर्दर अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तब तक मुझे कोई वहां पे निकाल नहीं सकता, राइट. यस गाइस, सो दिस इज सिंपली फॉर 2 points ओनली, दिस इज फॉर पॉइंट नंबर ई एंड पॉइंट नंबर एफ, ठीक है गाइस. सो पॉइंट ई एंड एफ बहुत क्लियरली वहां पे बोल रहा है कि मुझे ऑफिस वैकेट इस साइड पे नहीं करना. G point, very important, guys. Last few minutes of this lecture is removed in pursuance of this, the provision of this act. I guess, agar aap logo ko doubt hai E and F point, mein, please ask. If you have any doubt, please ask. Hum sirf yahan tak hi karne wale hain. G point is the last point for the day. Theek hai, G point khatam karte hain, fir aapka koi doubt hai, to usko entertain karte hain. If he is removed in pursuance of the provision of this act, theek hai. रिमूव किया गया है गाइस. अब रिमूव के लिए देयर इज वन सेपरेट सेक्शन, विल डिस्कस सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करता है. अगर उसको रिमूव किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर आज कोई शेयर होल्डर्स आपको निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू वैकेट द ऑफिस. एच पॉइंट बोल रहा है ही, समझना गाइस, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग दो, बड़े ध्यान से समझना इसको. ही हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होल्डिंग any office or other employment in the holding subsidiary or associate company, this is to hold such office or other employment in that company. I want ke aap log answer karo guys. You can unmute yourself and you can speak in front of the class. Hey guys. But yes, let me know what you understand by H point. H point se aapko kya samajh mein aa raha hai guys? What do you understand? H point.
इज रिमूव्ड वाला उसके बाद वाला गाइस, ही हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन द होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी. यस गाइस, समवन इज रिप्लाइंग. Sir, in point number B and C, it is required to vacate office in all company or in a particular company only. Mayur, there are doubt pe aata hu beta. I have asked something to you guys. Theek hai, definitely there are doubt upon solve karenge dear. Yes guys, is there anyone in the class who want to answer? He having been appointed a director. Samjho bhai, is barak ko samjho. He having been appointed a director. Theek hai. He having been appointed a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary and associate company ceases to hold such office or other employment in that company. Simple hai guys. Wo simply yahi bol raha hai. Samjho. Kya bol raha hai? Ki suppose main aaj Sachin Thakkar main Reliance Industries Limited ke andar as a director appoint hua hu. मैं एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हूं. अब बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑफिस, मतलब के मैं रिलायंस में डायरेक्टर था तो वहां पे रिलायंस के बोर्ड ने बोला कि ये जो रिलायंस की एक सब्सिडियरी कंपनी है, रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी है इन द नेम ऑफ फॉर एन एग्जांपल रिलायंस पावर लिमिटेड. ठीक है, तो मुझे बोला कि हे सचिन ठक्कर, तू यहाँ पे डायरेक्टर है रिलायंस के अंदर, तो हम तेरे को एक और कंपनी में भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, तो सचिन ठक्कर यहाँ पे भी डायरेक्टर बन गया. बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑफिस में यहाँ पे डायरेक्टर था, ये उसकी सब्सिडियरी थी, तो मुझे रिलायंस से बोला गया कि हे सचिन ठक्कर तू यहाँ पे क्या बन जा, डायरेक्टर बन जा. अब कानून ये बोलता है कि अगर सचिन ठक्कर को कोई भी हरकत करता है, हरकत हमको बहुत अच्छे से मालूम है, कोई भी हरकत करता है एंड अगर उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बाहर फेंक दिया जाता है अंडर सेक्शन 167, तो कानून ये बोलता है कि अगर मैं यहां से फेंक दिया गया ना, तो मुझे उसकी सब्सिडियरी कंपनी से भी क्या कर दिया जाएगा, ऑफिस वैकेट करवा दिया जाएगा. अगर मैं इस कंपनी से, बिकॉज मैं रिलायंस में हूं इसीलिए मुझे सब्सिडियरी कंपनी में वॉच रखने के लिए डायरेक्टर बना दिया गया. अब मैं रिलायंस में ही नहीं हूं गाइस, मेरा बेस ही वहां पे निकल जा रहा है, मुझे बेस में से ही निकाल दिया जा रहा है, तो भैया मैं काइकी होल्डिंग और काइकी सब्सिडियरी और काइकी एसोसिएट कंपनी में एज ए डायरेक्टर रह सकता हूँ. सिंपल है गाइस, देखो बहुत सिंपल है. अब आई गेस आपको समझ में आ रहा है. देखो पढ़ो उसको क्या लिखा. ही मतलब सचिन ठक्कर, having been appointed a director, मैं Reliance में director था, by virtue of his holding, मेरे पास वो थी guys, है ना, मैं Reliance में एक post पे था, by virtue of that holding, any office or other employment in the, मैं उसमें था, इसीलिए मुझे उसकी क्या बोला, देखो ना, मुझे उसकी holding subsidiary and associate company में appoint कर दिया गया. ठीक है, हसा बोलेंगे इसको holding subsidiary या associate company में. ceases to hold such office, मतलब ये कॉमा के बाद लिखा है और बोल रहा कि मैं रिलायंस में अगर ये ऑफिस छोड़ रहा हूँ और अदर एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंपनी, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हाथ धोना पड़ेगा. ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट सिंपली सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया है गाइस. रेस्ट ऑफ द सेक्शंस विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट. यस, मयूर का डाउट है गाइस, मयूर का डाउट सब सेक्शन. सबपॉइंट 2 के अंदर वो बोल रहा था, कुछ डाउट था उसका, जस्ट अ मिनट. सर, इन पॉइंट नंबर बी एंड सी, इट इज रिक्वायर्ड टू वैकेट ऑफिस इन ऑल कंपनी और इन अ पर्टिकुलर कंपनी ओनली, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नहीं बेटा, यहाँ पे सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है. ठीक है, उसमें सिर्फ पॉइंट नंबर ए के अंदर ही ऐसा बोला है, यू हैव टू वैकेट फ्रॉम ऑल द कंपनीज. But as far as sub point B is concerned, sub point C is concerned, उसमें आपको हर एक कंपनी से ऑफिस वैकेट नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर जिस कंपनी में आपने वायोलेशन किया है, सिर्फ उसी कंपनी से आपको वैकेट करना है. Any other doubt guys? If you have any doubt, guys, we have discussed today
many things we have discussed. Okay, we have discussed today. Section. Hey guys, we have discussed today section 165. जो बात करता है एक बंदा कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है. We have discussed today duties of director. 166 बात करता है. And we have discussed today section 167 जो बात करता है vacation of office के बारे में. Right, vacation of office में तो बहुत सिंपल सी थी. एक 164 का कोई violation किया है. 184 के दो violations थे वहाँ पे. ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. 164 का कोई वायोलेशन है या फिर कोई 184 का वायोलेशन है. या फिर हमने लास्ट में देखा कि वहां पे एब्सेंट रख रहा है वो अपने आप को, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग. ठीक है, इन अ ईयर अगर एक भी बोर्ड मीटिंग का अटेंड नहीं करते हो तो आपको ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा. 166 हमने डिस्कस किया गाइस. 166 बात करता था किसके बारे में, ड्यूटीज के बारे में. ठीक है, 165 हमने डिस्कस किया गाइस. 165 क्विक रिवीजन फटाफट. हे गाइस, 165 किसके बारे में बात करता था कि अगर मैं एक बंदा कितनी कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है, तो यस डेफिनेटली वो 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर रह सकता है. उसमें 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी एंड deemed public company. ठीक है, while calculating the companies, यहाँ पे section 8 company को मैं ignore करूँगा and dormant company मतलब वो unlimited हो सकती है. तीसरा point हमने क्या discuss किया, अगर मैं companies act आने से पहले, ये companies act आने से पहले किसी company में ज़्यादा number के directorship held कर रहा हूँ, then yes I have to choose 20 companies. ठीक है, and बाकी के directorship मुझे क्या करना पड़ेगा, seize करना पड़ेगा. ठीक है, so यहाँ पे अपन ने discuss किया था to choose 20 companies. ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस गाइस. अगर शेयरहोल्डर्स चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन वहां पे पास कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन अगर वो वहां पे पास करेंगे तो वो लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं. स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर तो आप मैक्सिमम कितनी कंपनी के अंदर हो सकते हो गाइस, मैक्सिमम आप दो कंपनी के अंदर हो सकते हो. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस 164 का रिवीजन हमने सुबह ही कर लिया था गाइस. 163 हमारा बाकी है. 162 हमने डिस्कस किया था गाइस, आपको याद हो तो, कि अगर आप मतलब कि कंपनी सिंगल, ये पहले तो किसको एप्लीकेबल है, ये कौन सी मीटिंग के लिए होगा गाइस, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए है. राइट, दूसरा कि यहाँ पे क्या बोला था कि अगर आप सिंगल एजेंडा के अंदर दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन इन अ सिंगल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग में एप्लीकेबल नहीं है. राइट, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता था गाइस, हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट यू हैव टू पास यूनानिमस रेजोल्यूशन. राइट, 100% अप्रूवल वाला रेजोल्यूशन जिसको हम यूनानिमस रेजोल्यूशंस बोलते हैं. तो गाइस आपको ये पहले पास करना पड़ेगा 100% अप्रूवल के साथ. ठीक है, फॉर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द मेंबर दैट कंपनी वांट्स टू पास अ सिंगल रेजोल्यूशन. यहां पे आप किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यही अपॉइंटमेंट, यही अप्रूवल ले रहे हो कि हम एक ही एजेंडा के अंदर दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करेंगे. एंड देन यू हैव टू पास, यहां पे आपको अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. राइट, और अगर इसमें सबकी हाँ आती है मतलब कि अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास, तो सारे अपॉइंट हो जाएंगे या फिर कोई भी अपॉइंट नहीं होगा. ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस गाइस. Then we have discussed about 161 guys. 161 जो बात करता है double A and C के बारे में, ये भी हमने discuss कर दिया था double A and C के बारे में. इसमें हमने discuss किया था additional director. अगर board of directors किसी person को appoint करना चाहते हैं as a director, yes they are having the power. No. Articles में अगर power है ना, लिखा था यहाँ पे subject to the authority in the articles of association. तो उसको हम appoint कर सकते हैं. But yes, इस ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे guys? Additional director बोलेंगे. इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी गाइस कि कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, फर्स्ट दे हैव टू गिव डीआईआर 2, देन इसके बाद कंपनी विल पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन. कंपनी विल फाइल फॉर्म नंबर डीआईआर 12. राइट, कंपनी पास करेगी नेसेसरी रेजोल्यूशन डीआईआर 12 एंड अपॉइंटमेंट लेटर वहां पे भेज दिया जाएगा डायरेक्टर को. ठीक है, इसका टेन्योर कब तक रहेगा गाइस, तो यस हमने उसको डिस्कस किया था. इसका टेन्योर जो है वो अपकमिंग एजीएम तक रहेगा, subject to compliance of section 160,
राइट कंपनी कैन रेगुलराइज, आप वहां पे उसको रेगुलराइज कर सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर बना सकते हो, 160 हमारा बाकी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। रेजोल्यूशन आप पीबीसी से पास कर सकते हो क्या? रेजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन, देयर इज नो नीड टू मीट फॉर द सेम, जस्ट पास, जस्ट यू नो प्रिंट आउट द रेजोल्यूशन टू सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड उसको बोल दो कि भैया हमको किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, आप अपने घर पे बैठे बैठे ही इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कर दो एंड कंपनी को वापस भेज दो, ठीक है? उसको हम क्या बोलते थे, रेजोल्यूशन कैसे पास किया, पासिंग बाय सर्कुलेशन, तो डेफिनेटली वो अलाउड था, ठीक है? ईडी के पास सेम पावर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गाइस, उसमें कोई पाबंदी नहीं आएगी। एंड अगर कोई बंदा एक बार जनरल मीटिंग में फेल हो चुका है और वो पास नहीं हुआ है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो उस बंदे को आप एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा है अल्टरनेट डायरेक्टर, अगर कोई बंदा, ये भी हमने अभी अभी रिवीजन किया गाइस, अगर कोई बंदा 3 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले को जाने दो। उसके जाने के बाद अगर कमी महसूस होती है तो फिर क्या कर सकते थे आप, तो फिर अगर उसके जाने के बाद कोई कमी महसूस होती है तो डेफिनेटली जो रेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स है वो किसी और को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते थे गाइस अल्टरनेट डायरेक्टर। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक रहेगा, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है उतना पीरियड, और वो जब तक इंडिया की धरती पे कदम नहीं रख देता किसी भी पर्पस के लिए, दैट पर्सन राइट, व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है ना। आर्टिकल में अथॉरिटी होनी चाहिए क्या? यस डेफिनेटली, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो फिर आप बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, या फिर आप पीपीसी भी कर सकते हो। बट अगर आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है तो फिर आपको जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था गाइस नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। यस गाइस, तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है या कोई गवर्नमेंट वहां पे, समझना गाइस, कोई गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडी वगैरह देती है, देन दे अप्रोच कि भैया कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए वॉच डॉग्स की तरह हम वहां पे किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे गाइस, नॉमिनी डायरेक्टर। ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो राइट, आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग में कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट कर सकते हो, सीजीएससी के पास भी पावर है कि वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डिस्कस लास्टली गाइस डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट बाय कैजुअल वैकेंसी, ठीक है? ये कैजुअल वैकेंसी के अंदर कोई पावर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जरूरत नहीं है, बट अगर आर्टिकल्स के अंदर कुछ दिया हुआ है देन वी हैव टू फॉलो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है देन व्हाट वी हैव टू डू, ओनली बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन राइट। बट यहाँ पे आपको क्या अलाउड नहीं है गाइस, पीबीसी आपको अलाउड नहीं है, आपको बोर्ड मीटिंग में ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पीबीसी करो तो अलाउड, क्या बोला ऊपर देखो ना क्या लिखा, इफ प्रोवाइडेड, इफ देयर इज एनीथिंग प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन डू फॉलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन यू हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ, ठीक है? इसका टेन्योर भी हमने देखा था, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे थे गाइस, कि जिस जो बंदे का आप कैजुअल वैकेंसी कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो अनएक्सपायर्ड टर्म होगा उतने पीरियड के लिए आप किसी और पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बोर्ड कैन फिल द कैजुअल वैकेंसी ओनली डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग राइट, वो एक बार शेयर होल्डर से पास हुआ है उसी पर्पस के लिए कर सकते हो, अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए आप कर सकते हो। This is simply a revision of section 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। So that आपको घर पे बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। See you soon guys in the next lecture. Aujo.